डॉक्टर है क्या? राजा का बेटा फौजी के बेटे ने जो कहा वही कर दिखाया। मनीष कश्यप की ललकार ने बिहार में कर डाला तख्ता पलट। बहते आंसुओं का हो गया सिर्फ 60 दिनों में हिसाब, पूरा हुआ बिहार का सपना। रंगदारी गैंग चलाने वाली पार्टी की कुर्सी खिसकी तो मनीष के साथ खड़ा हुआ बिहार। बिहार में मोदी के दौरे का इंतजार, मनीष कश्यप को लेकर आएगी बहुत बड़ी खबर। तय हो गया पब्लिक के लिए माइक उठाने वाला, मंच पर थामेगा माइक। बिहार के ही रहने वाले थे राष्ट्रकवि दिनकर। कवि दिनकर जी ने कहा था, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्त अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। और कुछ ऐसा ही हो रहा है बिहार में। करीब एक साल पहले जिसके गिरते आंसू ने एक साल बाद की तस्वीर दिखाई थी, वो तस्वीर सच हो गई। लेकिन सच कैसे हुई, आज हम इसी की कहानी आपको दिखाएंगे। जेल से रिहा हुआ भी ठीक से 60 दिन भी नहीं हुए थे कि बिहार में सरकार की कुर्सी डोलने लगी और मनीष कश्यप ने जैसा कहा था ठीक सब कुछ वैसा ही होने लगा। बिहार के लाखों युवाओं को बेरोजगार रखने वाले राजा के दो दो बेटे अब बेरोजगार कर दिए गए। मनीष कश्यप ने जब मजदूरों की आवाज उठाई तो राजा के बेटे ने उनके खिलाफ अपने प्रशासनिक जोर का इस्तेमाल किया। अधिकारियों को कठपुतले की तरह पीछे पीछे घुमाया गया और अधिकारी भी राजा के बेटे की अकड़ और धौंस से परेशान हो चुके थे। बिहार में अच्छे अधिकारियों की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे अधिकारियों को परेशान किया जा रहा था। नीतीश कुमार तक सारी खबरें पहुंच चुकी थी, लेकिन वो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन जब से हुआ उसी वक्त से बिहार में क्राइम का ग्राफ भी बढ़ चुका था। कुछ मीडिया रिपोर्ट तो यहां तक दावा करती है कि 2022 में जब जेडीयू और आरजेडी पास पास आए तो सिर्फ 6 महीने में अपराध का ग्राफ 300% बढ़ गया। यहां तक कि राजधानी पटना में रंगदारी उद्योग चरम पर पहुंच गया। दुकानों पर पोस्टर चिपकाकर रंगदारी वसूली जाने लगी। बालू माफियाओं की बल्ले बल्ले हो गई। अधिकारियों की जान लेने में भी माफियाओं के हाथ नहीं कांपते थे। याद है ना वो घटना जब 2023 में राजधानी पटना में ही खगौल के एक बिजनेसमैन की दुकान पर पिस्टल की फोटो लगी पोस्टर चिपकाकर किसी यादव गैंग ने 5 लाख की रंगदारी मांगी। और जब बदहाल बिहार में ये सब कुछ हो रहा था तो मीडिया से पहले अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो मनीष कश्यप थे। पुल गिरा सबसे पहले मनीष कश्यप पहुंचे। सड़क बनाने में धांधली हुई तो सबसे पहले मनीष कश्यप पहुंचे। कहीं जुर्म फन फैलाकर लोगों को दहशत में डाल रहा था उस वक्त, पुलिस की आंखों में आंखें डालकर अगर कोई सवाल पूछता था तो मनीष कश्यप। मासूम अयांस की जिंदगी को बचाने का सवाल था, सिस्टम से कोई मदद नहीं मिली तो सिर्फ एक रात में मनीष कश्यप ने मदद के लिए बड़ा सिस्टम खड़ा कर डाला। भला एक नेक आदमी की सारी सच्चाई कुछ लोगों की आंखों में कैसे नहीं खटकती। गांव से आया एक लड़का जब माइक थाम कर कहता था कि बिहार में पूरा सिस्टम करप्ट है तो करप्ट लोगों की रूह कांप जाती थी, इसलिए मनीष कश्यप उनको फूटी आंखों पसंद नहीं थे। लेकिन अब बिहार में खेला हो चुका है और जैसा मनीष कश्यप ने कहा था ठीक वैसा ही खेला हुआ है। बिहार में 28 जनवरी को पीएम मोदी का संभावित दौरा है और बिहार की मांग है कि मनीष कश्यप को उस मंच पर जगह मिले। बीजेपी में इस वक्त ऐसे नेताओं की भारी कमी है जो बिहार में कोई बड़ा विजन रखते हो, जो है या तो वो अपनी कुर्सी बनाने या फिर बचाने में लगे रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ मनीष कश्यप की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। बिहार से यूपी तक, यहाँ तक कि सरकारी सिस्टम में बैठे लोग भी मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके पास बिहार को आगे बढ़ाने का विजन है। एसी कमरे में बैठकर मनीष कश्यप बिहार को ब्रांड बिहार नहीं बनाते, बल्कि उसके लिए ग्राउंड पर उतरकर देश के कोने कोने में मौजूद बिहारियों की आवाज उठाते हैं। इसलिए बिहार की डिमांड है बीजेपी मनीष कश्यप को मौका दे। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए? कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं।